हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल विच इज़ गरिमास केयर एंड शेयर। आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर लोकेशन को एक्सप्लोर करने आए हैं जो कि सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है पचमढ़ी। पचमढ़ी को सतपुरा की रानी ब्रिटिशर्स ने नाम दिया है और इसे काफ़ी लोग क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से भी जानते हैं। पचमढ़ी बहुत ही सुंदर अपने फ्लोरा फौना, ब्यूटीफुल टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, नेचुरल अकर्ड लॉर्ड शिवा के मंदिर और पांडवास के लिए फेमस है। तो सबसे पहले लोकेशन पे हम जा रहे हैं जटाशंकर केव्स, जहाँ पे आपको वॉक करना पड़ता है, स्टेयर्स लेना पड़ता है। गाड़ी पार्किंग होने के बाद में आपको 1.5 किलोमीटर की वॉक है और स्टेयर का ये रास्ता है। रास्ते में जो ब्यूटीफुल झरने हैं, नेचुरली अकरिंग रिवर है नीचे से जाती है, तो बहुत सुंदर व्यू है, देखने लायक है। ये जो मंदिर है ये स्टैलेगमाइट फॉर्मेशन के फॉर्म में फॉर्म्ड हुआ है और बहुत ही सुंदर नेचुरली केव्स जो है उसके अंदर आपको काफ़ी डीप जाना पड़ता है और ये मंदिर नीचे सिचुएटेड है। यहाँ से आगे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मंदिर की फ़ोटो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन ये बहुत सुंदर टेम्पल है। रॉक के बीच में फॉर्म्ड है और यहाँ पर लॉर्ड शिवा का नेचुरल अकर पूजा का स्थान है। आप देख सकते हो कि नीचे यहाँ पे पानी जो है, जैसे बारिश ज़्यादा रहती है तो यहाँ नीचे पानी भर जाता है, अदरवाइज ये सूखा रहता है। छोटी सी केव्स है, हार्डली 5 मिनट्स में आपके दर्शन हो जाते हैं। भीड़ वगैरह ऐसी कुछ खास नहीं रहती है जैसे नॉर्मल टेम्पल्स में होता है। आप एक एक करके जाइए और दर्शन करके बाहर निकल सकते हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर है, इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ मैं कि कितना सुंदर है। और सबसे खास बात ये है कि ये थोड़ा ठंडा लोकेशन है क्योंकि नेचुरली केव्स के बीच में सिचुएटेड है, तो एकदम बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आके। आप देख सकते हो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। पचमढ़ी अपने टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, नेशनल पार्क्स के लिए फेमस है और यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी 2009 में डिक्लेयर किया हुआ था। यहाँ की पॉपुलेशन 12,000 लोगों की ही है, काफ़ी छोटी पॉपुलेशन है। और पचमढ़ी को डिस्कवर किया था कैप्टन जेम्स फॉसेट ने, जो कि ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन थे। पचमढ़ी में अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाने वाले हैं जिसका नाम है बी फॉल। इसके लिए जिप्सी का लेना ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी जो आपकी कार पार्किंग होती है या टू व्हीलर पार्किंग होती है वो काफ़ी ऊपर 5 किलोमीटर पहले होती है, वहाँ से आपको वॉक करना पड़ता है। तो अगर आप जिप्सी लेंगे तो आप काफ़ी नियरेस्ट अराउंड 700 मीटर वाटरफॉल के पास में आप जा सकते हो। वहाँ से आपको नीचे उतरना पड़ता है, 400 मीटर का ये स्टेयर का रास्ता है। नेचुरली अकरिंग साइट है लेकिन बहुत सुंदर है। पचमढ़ी जो है वो मोस्टली टीक के जो ट्री होते हैं उससे इसका फॉरेस्ट है। टीक के जो ट्री होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है फर्नीचर्स बनाने के लिए और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया है, मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखती है। तो ये है नेचुरली ब्यूटीफुल अकरिंग बी फॉल। इसे बी फॉल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? आप देख सकते हो कि सुंदर तो झरना करके दिख रहा है, ये भी आगे जाकर बी फॉल करता है। अभी यहाँ पर काफ़ी छोटा दिखा है लेकिन जब ये बी फॉल के तरह से फॉर्म होता है तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ी है। पंचमढ़ी का जो शुरुआत हुआ वो 1862 टाइम पीरियड में हुआ। कैप्टन जेम्स फोर्सिस नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था जिसने पंचमढ़ी को 1862 टाइम पीरियड में डिस्कवर किया और उसके द्वारा पंचमढ़ी को एक हिल स्टेशन के रूप में डेवलपमेंट वगैरह दिया। यहाँ पर कभी कोई बहुत बड़े राजा महाराजा का शासन नहीं हुआ, तो राजा महाराजा का शासन ना होने की वजह से पंचमढ़ी के अंदर में किसी प्रकार का कोई कलात्मक मंदिर, बाग बावड़ी या पैलेस आप लोगों को पंचमढ़ी के अंदर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। पंचमढ़ी के आज में दौरान में जो विजिट करेंगे आप लोगों को नेचुरल टेम्पल्स, वाटरफॉल्स, केव सेंटर, वैली वगैरह ये आप लोगों को पंचमढ़ी के अंदर में देखने को मिलेगा। ये जो पानी आप लोग देख रहे हैं जिसमें पानी जो दिखाई दे रहा है, यही पानी नीचे जाकर के गिरता है और लगभग 150 फीट के नीचे गिरता है, बड़ा वाटरफॉल बनाता है। और समर टाइम पीरियड में जब लोग इस वाटरफॉल के नीचे में बैठ करके नहाते तो पानी का फ्लो बॉडी को टच करता है तो ऐसा लगता है जैसे पी वाइट कर रहा हूँ, मधुमक्खी काट रहा हूँ। इस वाटरफॉल का नाम BEE वाटरफॉल दिया हुआ है। ये जो वाटरफॉल आप लोग देखेंगे कुल मिलाकर नेचुरली प्राकृतिक झरना आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। गर्मी के दिनों में भारतवर्ष की बड़ी बड़ी नदियाँ सूख जाती हैं पर हमारे यहाँ के वाटरफॉल्स में आप लोगों को 365 दिन कंटिन्यू वाटरफॉल में आप लोगों को पानी वगैरह देखने को मिलेगा। उसका रीजन ये है एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह आप लोग देख रहे हैं और हमारे यहाँ पर विशेष प्रकार का एक पत्थर होता है, सेडिमेंटी रॉक्स होता है, रेतीला पहाड़ जो बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करता है और जैसे जैसे गर्मी पड़ना चालू होता है वैसे वैसे स्प्रिंग वाटर थ्रू में ये पानी निकलता है।
गर्मी के दिनों में भारतवर्ष की बड़ी बड़ी नदियाँ सूख जाती हैं, पर हमारे यहाँ के वाटरफॉल्स में आप लोगों को 365 दिन कंटिन्यू वाटरफॉल में आप लोगों को पानी देखने के लिए मिलेगा। और सबसे मेन क्या है कि पहाड़ों के अंदर में पानी नहीं है, ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर में आप लोगों को पानी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% प्लांटेशन आपको साल के जंगल में प्लांटेशन देखने को मिलेगा। साल मतलब 100 जो प्लांट वगैरह देख रहे हैं, पतला सा लंबा सा जो पेड़ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसका नाम साल रखा हुआ है, सूर्य रोबस्टा, साइंटिफिक नेम इसका सूर्य रोबस्टा इसको कहा जाता है। जब इंडिया में ट्रेन वगैरह चलना चालू हुआ तो इसके स्लीपर पार्ट्स वगैरह बनते थे, साल बहुत मजबूत होता, 100 साल तक खड़ा, 100 साल पड़ा, और 100 साल के बाद आप इसको यूज़ कर लिए, इसलिए इसका नाम साल रखा हुआ है। यहाँ से वाटरफॉल का जो दूरी है वो 400 मीटर है, नीचे जाने में बहुत ज़्यादा समय लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय लगेगा, वापस चढ़ कर आएंगे तो 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। ये जो सीढ़ियाँ जाती हैं बिल्कुल वाटरफॉल के सामने जाती हैं, और जहाँ पर आप लोग वाटरफॉल में नीचे जा सकते हैं बढ़िया वाटरफॉल में। सो ये है बी फॉल में नीचे जाने का रास्ता। नीचे जाने में आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, और ऊपर चढ़ने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। दिखने में बहुत इजी है कि सिर्फ स्टेयरकेस है, लेकिन चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। अगर आपके घुटनों में पेन है, आपको कुछ जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके साथ में छोटे बच्चे हैं जिसको आपको कैरी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कैरी करने के बच्चों को कैरी करने के लिए लोग रहते हैं, कुछ अमाउंट लेते हैं वो बच्चे को कैरी करने के लिए, तो आपको ऊपर टॉप पहुँचने कर सकते हैं। ये वाटरफॉल में काफ़ी लंबी चढ़ाई जो होती है वापस लौटने पड़ेंगे, तो अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो मैं आपको पहले एडवाइस कर रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ऊपर से इसका मजा लीजिए। अभी यहाँ पर टूरिस्ट कम है तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी खाली खाली है, और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया है। जो पीक सीज़न होता है यहाँ पर बहुत रश होता है, और बहुत लोग यहाँ पर नहाने के लिए ही स्पेसिफिकली आते हैं। बहुत सुंदर लोकेशन है, बारिश के टाइम पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि वाटरफॉल कैसा लगता है। हम लोगों ने फिर से बहुत एंजॉय किया है। ये वाटरफॉल मध्य प्रदेश में आगे सबसे बेस्ट वाटरफॉल है, एंजॉय करने के लिए ट्रस्ट मी एक बार आप आके देखिए। पचमढ़ी बहुत ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ का भी अड्डा रहा है, यहाँ पे काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ भी शूट हुई है, जिसमें से एक फेमस मूवी है अशोका, तरकीब, मैसी साहब और चक्रव्यूह। बहुत सुंदर लोकेशन है। अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसे पांडव केव्स कहा जाता है। पांडव केव्स जो है वो पांडवास का शेल्टर था एग्जाम पीरियड में। ये केव्स पहले खुली रहा करती थी, लेकिन टूरिस्टों ने इसे काफ़ी ख़राब तरीके से ख़राब कर दिया था, इस पर अपना नाम लिख दिया था, और जो नेचुरली केव पेंटिंग थी उसको डैमेज कर दिया था। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी केव्स पे ताला लगा दिया है, केव्स के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वो जो ऊपर आप टॉप पॉइंट देख रहे हो वहाँ से आप पूरे पचमढ़ी का व्यू ले सकते हो। बी फॉल के बाद में हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे कि हम लोगों का हिम्मत ही नहीं हुई ऊपर चढ़ने की, सो हम लोगों ने ऊपर जाना स्किप किया था, लेकिन ये जो नेचुरल पार्क है, ब्यूटीफुल प्लांट्स है यहाँ पे, उसको नीचे से ही इन्जॉय किया था। यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी रहती है, आप लोग ATV राइड्स और बाइक से जिसको एंजॉय कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं धूपगढ़ की तरफ। धूपगढ़ पचमढ़ी का हाईएस्ट पॉइंट है, इसका सनराइज़ और सनसेट पॉइंट के लिए ये फेमस है। ये जो आप हिल देख रहे हैं ये फेमस है अपने सनसेट व्यू के लिए। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो सनराइज़ होता है वो इसी पहाड़ी पर होता है, और सनसेट के लिए भी ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इसकी हाइट जो है वो है 1352 मीटर हाई। ये आप देख सकते हो बादलों के ऊपर, काफ़ी ऊपर सिचुएटेड है, यहाँ पे आपको जिप्सी से आना पड़ता है। ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से, अभी हम लोग चढ़ के नीचे से ऊपर आए हैं। ये जो धुआं सा दिख रहा है ये बादल है, हम लोग बादलों के काफ़ी ऊपर हैं, और बहुत ही सुंदर लोकेशन है। इस लोकेशन की ब्यूटी को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते वर्ड्स में। ये बादल आप देख सकते हो, ये जो पॉइंट है इसमें ही सबसे पहले मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूरज की किरण इस पॉइंट पे पड़ती है।
अब हम आगे जाने वाले हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जो कि है ब्यूटीफुल चंपक लेक। चंपक लेक जो है ये सिटी में ही बीच में सिचुएटेड है। इसमें आप बहुत अच्छे से बोट राइडिंग एंजॉय कर सकते हो और जिप लाइन एक्टिविटी भी एंजॉय कर सकते हो। अभी जब हम जिस टाइम पे पहुँचे थे तभी जिप लाइन एक्टिविटी चालू नहीं थी, इनका कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग होता है। तो आप जिप लाइन भी, ये ऊपर आप जो वायर देख रहे हो ये जिप लाइन के हैं, तो एक टापू से दूसरे टापू पे आप जिप लाइन एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लोकेशन है। अब हम आगे जा रहे हैं एक सुंदर डेस्टिनेशन की तरफ। यह आप देख सकते हो पचमढ़ी जो है कितना सुंदर है। यहाँ से हमको सारी सतपुड़ा रेंजेस दिख रही है। इसके ऊपर हम लोग गए थे धूपगढ़ में। नेक्स्ट आप देख रहे हो चौरागढ़ पहाड़। ये चौरागढ़ महादेव जो है वो थर्ड हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश की, जिसे किंग संग्राम ने बिल्ड किया था जो कि गोंड डायनेस्टी के थे। इस मंदिर में जाने के लिए आपको 1365 स्टेप्स चढ़नी पड़ती है। ये मंदिर फेमस है लॉर्ड शिवा के लिए। अभी आप जो देख रहे हो व्यू, ये राजेंद्र गिरी व्यू कहा जाता है इसे। ये सनसेट पॉइंट के लिए बहुत फेमस है। इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये ट्रिप को लगाया था और उनका फेमस पॉइंट सनसेट देखने के लिए। तो ये था पचमढ़ी के बारे में। पार्ट टू में आपको मैं और दूसरे लोकेशंस के बारे में बताऊंगी। वीडियो पसंद आया है तो गाइज प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा है। वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में शेयर करो और तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल विच इज़ गरिमा स्केयर एंड शेयर। थैंक यू सो मच। सी यू सून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।